हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं दर्शक राज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है, जो आर ओ वाटर प्यूरीफायर आप लोग का घर पे जो रहने से उसी में क्या चेक करना है, वो आप लोग को यूज कर सकता है कि नहीं यूज कर सकता है, मतलब जो वाटर है, जो वाटर को आप लोग को पी सकता है कि नहीं सकता है, मतलब वो जो हमारा हेल्थ के लिए, हमारा शरीर के लिए वो क्या है, जो गुड और बैड, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाला है। जो शॉर्ट में भी बोलने वाला है, जो उसका डिटेल मैंने पहले डाल चुका है, उसको आप लोग को देखना चाहिए तो जाके देख लीजिए, ठीक है। वो जो जो आपका जो घर पे जो यूज करता है वो उसमें जो नॉर्मल ग्राउंड से जो पानी है, जो पानी आर ओ सिस्टम का अंदर जाएगा तो वो आर ओ जो नॉर्मल पानी में क्या है, वायरस बैक्टीरिया सब कुछ होगा, लेकिन जो फिल्टर करके जो पानी आएगा आर ओ वाटर से उसी में वायरस बैक्टीरिया नहीं रहेगा। लेकिन वायरस बैक्टीरिया नहीं रहेगा वो तो अच्छा चीज है, लेकिन उसी का साथ ओ टी डीज भी उसमें बहुत कम रहेगा। वही थोड़ा सोचना है, पी डी एस लेवल जो बराबर रहना है, पी डी एस पी एच लेवल बहुत जो जरूरी है, उसी में जो स्टैंडर्ड बहुत स्टैंडर्ड है, पी डी एस कितना रहना चाहिए, पी एच कितना रहना चाहिए बोल के उसी का छोड़ के आप लोग को पीने से आप लोगों को शरीर को कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम होगी मैं बोलता हूँ, मतलब पहले टी डी एस मतलब क्या है, टोटल रिजॉल्व सॉलिड से टी डी एस मतलब क्या है, उसी का जो डिटेल मैंने पहले डाल चुका है आप लोगों को जाके देख लीजिए, उसी का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख लीजिए। टी डी एस मतलब क्या है, टोटल रिजॉल्व सॉलिड्स, वो क्या है जो सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द वाटर, जो वाटर है वाटर में छोटा छोटा सस्पेंडेड सॉलिड्स डिसॉल्व्ड सॉलिड जो होगा, नॉट सस्पेंडेड सॉलिड डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होगा, वही आप लोगों को टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड बोल के कहते हैं। वो क्या है, उसी का लेवल ज्यादा कुछ स्टैंडर्ड है, जो आपके लोग क्या बोलते हैं 150 से 500 ppm का अंदर तो रहना है, वही वाटर सेफ और ड्रिंकेबल, लाइक अच्छा वही बोल के जो आप लोग बोल रहे हैं, pH देखने से 6.5 से 8.5 तक का रहना है, pH 6.5 से 8.5, TDS 150 से 500, उसका 500 का ऊपर 500 ppm का ऊपर जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, नीचे आएगा तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो आर ओ वाटर जो यूज कर रहा है आप तो यूज किया होगा, उसी में आप देखने से वो 40-50 ppm जो रहेगा TDS लेवल, वो चीज प्रॉब्लम है। क्यों बोलने से नेचर में आप लोग को जो कुछ मिनरल तो आप लोग को जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या है सर, जो आर ओ वाटर जो वायरस बैक्टीरिया को करता है, लेकिन जो टीडीएस लेवल जो कम करते हैं आपको सोचा होगा, लेकिन जो टीडीएस लेवल जो कम होने से भी और मिनरल्स कम होने से भी क्या करते हैं, जो आज लोग बता देगा सर मेरे को दूसरा जो फूड से जो मिनरल्स आ रहे हैं, मिल्क फिर दूसरा फ्रूट्स लेने से भी मेरे को कैल्शियम मिलते हैं, सब कुछ आ जाता है, वो इक्वल हो जाएगा बोल के आप लोग बात रखा, लेकिन इक्वल हो जाएगा कोई कोई आदमी सभी को जो खा सकता है, लेकिन कोई कोई आदमी सभी नहीं खा सकता है। जो जो आदमी जो डाउन लेवल पीपल जो रहता है, हमारा जो नॉर्मल जो मामूल का जो आदमी रहेगा, वो लोग को हर दिन में हर चीज को नहीं कर खा सकता है, वो पूरा पानी को हम लोग को जो पानी हम लोग को क्या है जो फेमिलियर जो लिक्विड है वही हम लोग को जो क्या है जो ड्रिंकेबल करता हूँ, लेकिन जो पानी जो ऐसा वाला आदमी लोग को साथ भी आर ओ सिस्टम जो हो जाता है, क्यों बोलने से उसी का रेट जो कम है इसलिए आदमी लोग को डाल देता है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्या है जो वायरस बैक्टीरिया को भी जो वो क्या है जो ट्रैप करता है, मतलब बंद करता है, मतलब हेलो नहीं करता है, फिर उसका आप लोग को जो मिनरल्स है मिनरल्स में भी जो वो बंद करता है, वही प्रॉब्लम है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कुछ जो आर ओ वाटर आर ओ प्यूरीफायर जो सेलेक्ट कर रहा है उसी में देखो आपका इनपुट में क्या क्या रहता है, आपका आउटपुट क्या क्या आना चाहिए, जो स्टैंडर्ड पे आ रहा है कि नहीं है, उसी के हिसाब से मतलब यूवी एमएफ फिर एनएफ ज़्यादा वाटर प्यूरीफायर जो होता हो जाता है उसी में कुछ ना कुछ आप लोग को सेलेक्ट करके जो यूज़ करो। अगर यूज़ करने से जो स्टैंडर्ड में जो कुछ आउटपुट बोला वही आउटपुट आपको मिल जाएगा, फिर आपका जो नेचुरल भी जो कुछ मिनरल है वो मिनरल भी मिल जाएगा। लेकिन अभी का टाइम में जो आज लोगों को क्या पता चला है, एटीडीएस जो सब कुछ आर ओ सिस्टम जो बंद करते हैं बोल के सभी कंपनी वो क्या करता है, जो आर ओ का कंपनी मैनुफैक्चरिंग कंपनी क्या करता है, जो आउटपुट में नेचुरली जो मिनरल्स को ऐड करते हैं वो भी सिस्टम अच्छा नहीं है। जो कुछ कितना आर्टिफिशियल में हम लोग को जो कुछ मेड करके हम लोग यूज़ कर रहा हूँ वो सब कुछ में केमिकल आ जाएगा, वो मत कीजिए। जो आप सेलेक्ट करने वाला सिस्टम वाटर प्यूरीफायर सिस्टम रिवर्स आर ओ सिस्टम को बराबर आपका इनपुट आउटपुट इनपुट वाटर क्वांटिटी कैसे है क्वालिटी कैसे है उसी के हिसाब से वो चूज करो। चूज करने से आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, टी डी एस लेवल भी अच्छा से रहेगा, पी एच लेवल भी अच्छा से रहेगा, वायरस बैक्टीरिया भी नहीं रहेगा, एक चीज़ है। दूसरा चीज़ सर मेरे को बहुत जो
पैसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो क्या कर सकता है, मैं आरओ सिस्टम लगाने के लिए मेरे को पैसा नहीं है, बोलने से आप कुछ नहीं। आप लोगों को क्या करना, वो वाटर को हीट करना है, जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर है, लेकिन आरओ जो बबल टाप का वाटर को हीट नहीं करना, जो ग्राउंड से लेगा वो वाटर को जो पूरा हीट करना, हीट करने से उसमें वायरस बैक्टीरिया पूरा किल हो जाएगा, फिर जो वाटर प्योरीफायर सब कुछ होगा, मतलब आपको जो टी का जो फिल्टर करने के लिए जो होता है ना, ऐसा वाला फिल्टर, ऐसा वाला फिल्टर को मार्केट से ले लो, लेके पूरा फिल्टर कर दो। फिल्टर करने के बाद उसमें चेक करो, डीसीमीटर करो, कि चेक करो टोटल रिजल्ट सारे कमिट हो, एक होता है पोर्टेबल कंडक्टिविटी मीटर बोलते होता है, उसी में रहकर चेक करो टी डी लेवल 150 से 500 रहना है, पीएच लेवल 6.5 से 8.5 रहना है, अगर रहने से आप लोग पी सकते हैं, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो सभी को जाना पड़ेगा, ये क्यों बोलने से सभी लोग को मालूम नहीं, सभी लोगों को क्या है, जो मालूम नहीं पड़ता है वो लोग ऐसे जो पीते रहता है, जो आदमी लोग को जो उसको अवेयरनेस देना है, ये वीडियो को आप लोगों को कितना तक जो शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, आपको कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो कैसे जो आरओ फिल्टर जो सेलेक्ट करना, जो कैसे कैसे जो कुछ चेक करना, सभी के बारे में ये वीडियो डाल, हम लोगों को वीडियो डालते रहूँगा। सो कीप वॉचिंग अवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अवर चैनल। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।